लगातार कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के द्वारा भी आज बूढ़ा तालाब में धरना दिया गया है, जहां उन लोग अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर के एक दिवसीय का शांतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां उन्होंने उनकी मांग है कि स्थानांतरित शिक्षक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर उन्हें वरिष्ठता दिया जाए, पदोन्नति दी जाए, इसी को लेकर के इनकी मांग है। क्या कुछ मांग है दीदी आपका? हमारा वरिष्ठता से संबंधित मांग है सर, हम जो है ट्रांसफ़र करवाएं उससे हमारी वरिष्ठता प्रभावित हो गई है। जैसे मैं 98 वाली हूं और मैं जो है 2010 में विकासखंड टू विकासखंड ट्रांसफ़र कराई हूं, तो मेरा जो है 2010 में जैसे आई हूं तो मेरे को जो 2010 वाले नियुक्त है उनके नीचे रखा गया है, तो इससे जो है हमारे 20 साल 25 साल की सेवा समाप्त कर दी गई सर, तो हमको जो है प्रमोशन की जो अभी प्रमोशन पदोन्नति की जो ये चल रही है उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा सर, तो हम चाह रहे हैं कि हमको बेज बॉटम दिया जाए और हमारे वरिष्ठता का प्रभावित ना करते हुए हमें पदोन्नति का लाभ दी जाए। क्या लगता है सरकार आपके मांगों को सुनेगा? हाँ सुनेगी सर, क्यों नहीं सुनेगी, सरकार हमारी है तो हमारी मांग सुनेगी, अभी तक तो नहीं सुनी कि हम चाह रहे हैं कि सुने, हम संगठित हुए हैं, कोई भी संगठन हमारा साथ नहीं दे रहे, हम नया संगठन बना है और उससे जो है हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सर। जिस तारीख से जिस दिनांक से आप लोगों के वरिष्ठता का गणना सरकार कर रही है, क्या लगता है उसके कितने सालों के बाद आपको पदोन्नति मिल पाएगा? सर इससे हमारी जो है सेवा जो है 12 साल 15 साल बची हुई है, मेरी सेवा खुद 15 साल बची हुई, तो मुझे जो है और अन्य प्रमोशन की लाभ मुझे नहीं मिलेगी सर, मतलब लाभ ही नहीं मिल पाएगा सर, नहीं मिल पाएगा, हम इसी पद पर रिटायर हो जाएंगे सर जी। क्या नाम है दीदी, कहाँ से आप? मैं भारती तिवारी जी, गरियाबंद से आई हूँ। क्या कुछ दिक्कत होता है दीदी जब पदोन्नति नहीं हो पाता? तो बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि हम लोग को जो सम्मान मिलना चाहिए, 25 साल सर्विस किए हैं हम और वो जीरो में आ गए हैं, तो ये तो बहुत नुकसान है हम लोग के लिए और कभी हमारी पदोन्नति नहीं हो सकेगी इसके बाद। इसमें कौन कौन से वर्ग के शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं? इसमें सभी वर्ग के हैं, 1, 2, 3 हम लोग सभी हैं यहाँ पे प्रभावित हैं। तो इससे पहले जहाँ आप आज प्रदर्शन कर रही हैं, इससे पहले सरकार के पास अपना मांग लेके कभी पहुँचे आप? सभी के पास पहुँच चुके हैं, हमारे संघ के माध्यम से सभी जगह ज्ञापन दिए गए हैं लेकिन आज तक कोई ये नहीं हुआ है। कुछ आश्वासन मिलता है आप लोग? आश्वासन मिलता है कि आपकी मांग जायज है करके, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दे रहे ध्यान आप लोग, ऐसा सवाल नहीं करते उनसे? पूछते हैं तो अब उनका जवाब शासन जाने, ऐसा बोलते हैं तो हम लोग क्या कर पाएंगे। हमारी मांग आप लोगों के माध्यम से कम वहाँ तक पहुँच जाए, हम अपेक्षा रखते हैं आपसे कि आप हमारी मांगों को वहाँ तक रखें और सरकार हमारी सुने। तो मतलब पूरे शिक्षा कर्मी संघ के लोग आप लोग हैं साथ में? जी सभी हैं, सभी साथ में हैं। कितनों की संख्या होगी आप लोग? अभी हमारे स्थानांतरित शिक्षक साथी तो 27,000 हैं और केवल हम लोग जिला के पदाधिकारी लोग आए हैं आज। तो आज यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से पहुँचे हैं आप लोग? जी पूरे राज्य भर के शिक्षक हैं हम लोग, विभिन्न जिलों से पहुंचे हुए हैं यहाँ पे शिक्षकगण जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में दीदी हैं, क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम संध्या सिंह है। कहाँ से पहुंची हैं? प्राथमिक शाला चंदखुरी दुर्ग। क्या कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है पदोन्नति में? सर क्या है कि हम 2001 की मेरी नियुक्ति है और महासमुंद जिला में मेरी नियुक्ति हुई थी, मैं 10 साल वहाँ पदोन्नति के चाह में पड़ी हुई थी, परंतु क्या है शादी विवाह होने के बाद तो आदमी को जाना ही पड़ता है ससुराल। 10 साल मैंने पदोन्नति के चाह में वहीं पे पड़ी रही, उसके बाद मैंने प्रमोशन ट्रांसफ़र कराया। ट्रांसफ़र कराने के बाद जब से मैं यहाँ स्कूल में आई हूँ तब से स्कूल का इंचार्ज मैं संभाली हुई थी, क्योंकि उस समय कहा जाता था कि यही है कि आप सीनियर हो करके मैंने 10 साल मैंने स्कूल का इंचार्ज संभाला। उसके बाद ये प्रमोशन हुआ तो उसमें हमारे वरिष्ठता मैंने 20-22 साल का लॉस कर दिया गया। अब हमारी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से मानी जा रही है, उसके कारण हमारे जो जूनियर भाई हैं उनकी हमारे से सीनियर बन के प्रमोशन हो गया है और हम लोग जो सीनियर हैं वहाँ पे जूनियर बन के भी बैठे हुए हैं। मतलब एक तरह से आप लोग के सम्मान की भी लड़ाई है? सम्मान की लड़ाई है सर और कुछ नहीं है, क्योंकि भाई आदमी जिस शाला में उतने साल हमने चार्ज ले के संभाला और उसके बाद यकायक आपसे कम एज की और कम वो की अगर भेज दिया जाए तो वो तो हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, तो अब हमारी इज्जत की सवाल की बात है। और शासन को ये है कि 2018 से हमारी अगर सविलियन तिथि से मान रहा है तो सभी को 2018 से प्रमोशन दिया जाए, उस आधार को मान के दिया जाए, ना कि हमारा पंचायत विभाग, क्योंकि हम ना तो उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं और अभी भी वैसे ही हो रहा है, मानते हमारे को शिक्षा विभाग में और पंचायत विभाग के नियम को ला के डाला जा रहा है। तो भाई ऐसे में तो सीनियर तो कई सालों से वहीं पड़े हुए हैं और बाद में रिटायर भी हो जाएंगे, वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, इसलिए शासन से यही मांग है कि हमारी प्रथम नियुक्ति से हमारी सीनियरिटी दिया जाए।
साफ तौर पर मांग है कि प्रथम नियुक्ति से इनकी सीनियरिटी के हिसाब से पदोन्नति दी जाए और अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे पहुँची हुई हैं और बता रहे हैं कि मान सम्मान का ये इनकी लड़ाई है। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला बस्तर से हूँ सर। क्या है सर मांग? कुछ मांग है सिर्फ सविलियन से पूर्व जो ट्रांसफर हुए हैं उनकी वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए। आपका स्थानांतरण कब हुआ था सर? मेरा स्थानांतरण 2010 में हुआ था। और नियुक्ति कब हुई थी? 2006 में हुआ था। तो लगभग 4 साल का आपको नुकसान हो रहा है सीधा सीधा। मैं शासन से आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई 98 में प्रथम नियुक्ति तिथि है शिक्षक के पद पर कार्यरत है और वो 2015 में ट्रांसफर करवाता है और किसी शिक्षक का 2010 में है प्रथम नियुक्ति तिथि और 2012 में ट्रांसफर करवाता है तो शासन के उस नियम के तहत में 2010 वाला जो है सीनियर हो रहा है और 98 वाला जो है वो जूनियर हो रहा है, यह कैसा नियम है? तो क्या कुछ लगता है आपको नियम में बदलाव करेंगे? करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मतलब संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, सबके हित में निर्णय ले रहे हैं तो सबके हित में भी निर्णय लिया जाना चाहिए। एक उम्मीद एक आशा जरूर है। मतलब भूपेश है तो भरोसा वाला बात सही साबित हो रहा है। जी जी बिल्कुल है। अभी आप बताइए कहाँ से हैं? मैं मुंगेली से आया हूँ। क्या कुछ है भैया मांग आज? आज केवल एक सूत्री मांग को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोगों की मांग है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना करते हुए हमें पदोन्नति में लाभ देना, इस मांग के तहत हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर कब हुई थी आपकी नियुक्ति? मेरी नियुक्ति जो है 2006 में हुई थी और उसके बाद अभी तक मुझे जो है पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है। सर आपका स्थानांतरण हुआ होगा, कितने साल का आपको घाटा हो रहा है? मुझे 2 वर्ष का हो रहा है लेकिन हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो 1998 के हैं, 1999 के हैं, 2005 के हैं, उनको भी इस तरह का 15 से 20 साल का लॉस हो रहा है सेवाकाल का। सर जब आप सरकार से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं तो क्या कुछ आश्वासन उनके द्वारा आपको दिया जाता है? आश्वासन तो यही कहा जाता है, नियम है और नियम बना हुआ है, यहाँ से तो सभी को बेज बॉटम मिलना चाहिए लेकिन जब हम अपने स्थानीय क्षेत्र पर जाते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा यह कहा दिया जाता है कि आप लोगों ने पंचायत विभाग के समय स्थानांतरण कराया है तो पंचायत विभाग के नियमानुसार आपकी वरिष्ठता लॉस होगी। जबकि पंचायत विभाग में भी यह नियम है, छत्तीसगढ़ शासन का जो राजपत्र 2012 है उसके तहत जो है हम लोगों की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। जब आप उन्हें ये तर्क देते हैं तो उनके द्वारा क्या जवाब दिया जाता है सर? उनके द्वारा केवल यही तर्क दिया जाता है कि आप अभी शिक्षा विभाग में हैं और पंचायत विभाग के दौरान आपकी वरिष्ठता लॉस हो चुकी है, इस कारण से शिक्षा विभाग में आपको वरिष्ठता का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। तो क्या लगता है आप लोग मांग लेकर कहाँ तक जाएंगे? सरकार को इससे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति हैं और छत्तीसगढ़िया होने के नाते वो हम लोगों की मांग को जरूर सुनेंगे क्योंकि हमारी मांग जो है वो वित्तीय भार रहित है, शासन को एक रुपये का भी भार अतिरिक्त नहीं पड़ने वाला है जबकि उनका कुछ पैसा बचने ही वाला है। क्योंकि जो 2019 के हैं, 2018 के जो बच्चे हैं उनका जब पदोन्नति होगा तो उनका जो वेतन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन हम लोग जो है 20 साल 15 साल के जो नौकरी कर चुके हैं तो उन लोगों का अगर कहीं प्रमोशन करते हैं तो हमको आंशिक रूप से लाभ होगा 500-1000 रुपये का, तो हम लोग जो है शासन का जो है वो 10-12 हज़ार रुपये बचाने वाले लोग हैं, तो ऐसे परिस्थिति में शासन निश्चित रूप से हमारे पक्ष में ही फैसला लेगी, ऐसा उम्मीद है। सर कहीं ना कहीं एक ऐसा भी एंगल निकल के सामने आ रहा है जहां जूनियर लोग आपसे प्रमोट हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग के सम्मान की भी बात यहां पे सामने जी बिल्कुल, इससे हमारा आत्मस्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है क्योंकि जिनकी सेवा ज़्यादा है विभाग में इस तरह का नियम है सीनियरिटी कम मेरिट करके, तो सीनियरिटी के आधार पर हमको जो है प्रमोशन मिलना चाहिए क्योंकि हमारी सेवा जो है 19 साल की हो गई। अब 19 साल की सेवा के बाद अगर हमको पदोन्नति नहीं देंगे तो क्या ये 10 साल 11 साल वाले लोगों को देंगे? तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, इसलिए हम लोगों को ही इसका लाभ मिलने वाला है और इसके लिए हम लोग जो है वो कई बार शिक्षा सचिव महोदय से, DPI के संचालक महोदय जी से मिल चुके हैं लेकिन स्थानीय स्तर के जो हमारे अधिकारी हैं वो लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। अपने मांग को लेकर के पहुँचे हुए हैं और बता रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है, जरूर इनकी मांगों को सुनेगा और बता रहे हैं कि इनके आत्मसम्मान की लड़ाई है और कहीं ना कहीं जब एक जूनियर आपसे सीनियर पोस्ट में जाता है तो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी, ऐसा इनका कहना है। मैं राजधानी रायपुर से राहुल अग्निहोत्री, RJ News।